हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। ये हमारी शायद पहली डेडिकेटेड वीडियो होगी GTA 6 को लेकर के, बिकॉज इससे पहले हमने इतने डेडिकेशन में बात नहीं करी है। सो GTA 6 जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है GTA 6 को लेकर के, एंड स्टूडियो जो है बार बार हमें GTA 5 चिपका देता है। आज भी अराउंड मेरे ख्याल से 10 साल हो चुके हैं फिलहाल, ये लीक्स एंड र्यूमर्स हैं तो 100% सच नहीं होगी, बट इंटरेस्टिंग है तो जानते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये कि GTA 6 जो है उसकी अनाउंसमेंट जो है रॉकस्टार ने ऑलरेडी कर दी है कि वो डेवलपमेंट में है, तो ये चीज तो क्लियर रखो कि GTA 6 आएगा जरूर, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से 2024 तक जो है शायद देखने को ना मिले अपने को। दूसरी जो लीक यहां पर आई है वो ये है कि GTA 6 में जो है सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि वो वाई सिटी के अंदर सेट होने वाला है। एंड यहां पर जो अभी हमारे पास लीक और र्यूमर आई है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि ये गेम जो है दो टाइम पीरियड जो है एक्सप्लोर करेगा। अब दो टाइम पीरियड क्या, एक तो 1985 का एरा ये एक्सप्लोर करेगा और दूसरा मॉडर्न एरा मतलब कि आज का एरा। तो ये यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से टाइम जंप लेने वाला है, जो भी इवेंट्स 1985 में हुए होंगे उसका जो रिजल्ट या कंक्लूजन या क्लाइमैक्स वो मॉडर्न एरा में आपको देखने को मिलेगा। सो ये लाइक थोड़ा बहुत वैसा सा ही होगा जैसे कि GTA 5 में है, बस GTA 5 का जो टाइम जंप था वो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल गया था, बट इसमें जो है हम 1985 में भी रह के गेम को खेल रहे होंगे और मॉडर्न एरा में भी हम उस गेम को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब ये तो हो गया जो दो वर्ल्ड को कवर करने वाला या दो टाइम पीरियड को कवर करने वाला चैप्टर एक टाइप से कह लो इसका, ये कैसे प्रोग्रेस करेगा ये तो जो भी स्टोरी टेलिंग है वो तो रॉकस्टार वाले कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग सा टेक है कि हाफ स्टोरी आपकी अगर 1985 में है एंड सेकंड हाफ स्टोरी आपकी मॉडर्न टाइम्स में है तो आप जो है दोनों वर्ल्ड का लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कहते हैं ना, वो चीज आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड मेरे ख्याल से रॉकस्टार का काफी एक्सपीरियंस है 1985 के एरा को क्रिएट करने में, हमने एले नॉयर जैसी गेम्स में देखा है, काफी कमाल की गेम है वो भी, एंड तो उसमें उन्होंने काफी अच्छा बनाया था। एंड मॉडर्न टाइम्स में तो हमने GTA 5 ऑलरेडी देखा हुआ, बाकी पुराने GTA गेम्स जो हैं वो भी उसी टाइम के आसपास सेट किए गए हैं, तो ये बड़ी एक कमाल की न्यूज है कि हमें दो टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद ये है कि इस गेम के अंदर भी जो है तीन प्रोटैगनिस्ट रहेंगे जैसे कि GTA 5 में था। जो GTA 5 का तीन प्रोटैगनिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट था, आज भी वो कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल चलता है, लाइक देखने को मिलता नहीं है वैसा सिंगल प्लेयर में खास करके। तो सिंगल प्लेयर में ये जो तीन प्रोटैगनिस्ट वाला सीन है ना ये कमाल का है, तीनों कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी लाइन है, अपना अपना प्रोग्रेशन है, ठीक, तो वो चीजें हमें इस गेम के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से ये 1985 से मॉडर्न टाइम तक जो है उनकी शायद जर्नी पूरी हमें दिखाई जाए, जो भी इवेंट्स वो लोग करेंगे या जो कुछ भी होगा गेम के अंदर, तो ये एक बड़ी चीज है। एंड ये सिंगल प्लेयर जो है टू टाइम पीरियड्स में स्प्लिट होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया इस गेम को चैप्टर वाइज थोड़ा सा डिवाइड किया गया है इस बार, क्योंकि दो टाइम पीरियड है तो उसके हिसाब से यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 ये होंगे आपके 1985 में सेट और चैप्टर 3-5 ये होंगे आपके मॉडर्न टाइम में सेट। तो दो चैप्टर आपको 1985 का खेलने को मिलेगा और बाकी के जो तीन चैप्टर हैं वो आपको मॉडर्न टाइम्स में खेलने को मिलने वाले। तो इस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया है। इसकी डेवलपमेंट जो है कहा जा रहा है कि वो 2012 में शुरू हुई है, बट इसकी जो फुल डेवलपमेंट है वो 2014 में शुरू हुई है। एंड GTA 5 जो है वो 2013 में मेरे ख्याल से रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम PS3 पे। तो यहाँ पे जो फुल डेवलपमेंट है वो GTA 5 के रिलीज होने के बाद ही इन्होंने GTA 6 पे काम करना शुरू किया है। एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए 2014 से लेकर अब तक अगर इसकी डेवलपमेंट सचमुच में इतनी चल रही है, हालांकि कंफर्म रॉकस्टार ने इसी साल किया है, तो अगर ये रूमर की माने तो अब तक ये गेम को डेवलप हो जाना चाहिए था, बिकॉज ये इतना ही टाइम ले लिया है जितना कि साइबरपंक ने डेवलपमेंट लेने में लिया है। बट क्योंकि गेम डेवलपमेंट में नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा फेक हो सकता है, बिकॉज फुल ऑन डेवलपमेंट जो है मेरे को लगता है पिछले 3-4 सालों में ही हुई होगी, इतना पहले से होती तो अब तक गेम रेडी होता। एंड अभी भी गेम रेडी नहीं है, अभी भी गेम को आने में 3-4 साल और हैं फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसी साल रॉकस्टार ने कंफर्म किया है कि वो अगले GTA पे काम कर रहे हैं। सो ये कुछ है न्यूज है। एंड यहाँ पे जो ये लीक निकल कर आई है ना, ये लीक में कुछ चीजें मेरे को सही भी लग रही हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी गलत भी हैं, एंड ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो गेम के बारे में, बिकॉज अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, इसीलिए मैं GTA के बारे में उतनी बातें नहीं करता, बिकॉज लाइक इस गेम के रिलेटेड र्यूमर्स हजारों मिल जाएंगे आपको, सच क्या है नहीं पता चलेगा, बिकॉज ऑफिशियल कंफर्मेशन आने में हमेशा टाइम लगता है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हर चीज एक र्यूमर है। तो आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को ये र्यूमर के बारे में क्या लगता है, मुझे तो एकदम काफी सही लग रहा है, लाइक ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, अगर सचमुच में रॉकस्टार ऐसा कुछ करता है तो वो मेरे ख्याल से एक नई चीज कर रहे होंगे गेमिंग में, और हमें तो पता ही कितनी एडवांसमेंट करने वाले हैं। अगर GTA 5 जो है इतने साल चला है तो GTA 6 सोचो कितने साल चलेगा। और एक बड़ी न्यूज ये भी है GTA 6 को लेकर के कि GTA 6 जो है वो नेक्स्ट कंसोल्स के लिए ही आने वाला है, मतलब कि PS4 और पुराने Xbox पे नहीं आने वाला, वो अभी जो कंसोल आए हैं PS5 और Xbox Series X उन पे ही चलने वाला है
है और मेरे ख्याल से वो सही भी है, बिकॉज GTA 5 जब आया था वो 100 GB का गेम था, तो उस टाइम के हिसाब से वो हार्डवेयर था वो, लेकिन 13 साल पुराना हार्डवेयर मुझे नहीं लगता GTA 6 झेल पाएगा वो हार्डवेयर, बिकॉज साइबरपंक को झेल नहीं पाया, GTA 6 तो और ज्यादा बड़ा होगा। तो सही डिसीजन है उनका, और जब तक GTA 6 आएगा तब तक मार्केट में PS5 ऑलमोस्ट सबके पास होगा, एंड इवन मेरे को लगता है सोनी प्रोडक्शन भी बंद कर देगी PlayStation 4 का, प्रो का, या जितने भी पुराने कंसोल्स हैं, ताकि PS5 की सेल्स जो है और ज्यादा, अभी फिलहाल शॉर्टेज चल रही है, बट आने वाले टाइम में ये चीज इंप्रूव होगी तो प्रोडक्शन जरूर बंद हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से लोगों के पास होगा ही नहीं, एंड नए PS5 पे खेलने में मजा ही अलग होगा ना फिर। तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे GTA 6 को लेकर के, काफी सारे ये इंडस्ट्री में यू नो धमाका करेगा जब भी आएगा ये। तो गाइस आप लोग बताओ आप लोगों के GTA 6 की न्यूज कैसी लगी, आपको कितनी सही लग रही है, गलत लग रही है, आप लोग कितने एक्साइटेड हो GTA 6 को लेकर के, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गेम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।